अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज हम नौ शरारती हुरूफ का तारुफ करेंगे। नौ शरारती हुरूफ वो हुरूफ होते हैं जो किसी भी हुरूफ के साथ शामिल नहीं होते, ना वो दोस्ती करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नौ शरारती हुरूफ होते क्या हैं। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे, तोए, जोए। प्यारे बच्चों, ये नौ शरारती हुरूफ हैं। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, तोए, जोए। ये नौ शरारती हुरूफ किसी भी हुरूफ के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते। ये दूसरे हुरूफ के साथ खड़े तो हो जाते लेकिन उनके साथ शामिल नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल देती चलूं। आप लोगों को पता है दाल और रे नौ शरारती हुरूफ हैं। अब देखिए, खे और ते ने तो दोस्ती कर ली लेकिन दाल और रे दोनों इन दोनों से खड़े दूर हैं। देखा, ये दोनों दोस्ती ही नहीं करते किसी दूसरे हुरूफ के साथ, इसीलिए इन्हें नौ शरारती हुरूफ कहा जाता है। उम्मीद है आपको नौ शरारती हुरूफ समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम नौ शरारती हुरूफ पढ़ेंगे। नौ शरारती हुरूफ क्या होते हैं? नौ शरारती हुरूफ वो हुरूफ होते हैं जो हमेशा शरारत में लगे रहते हैं। वो दूसरे हुरूफ के साथ शामिल तो हो जाते हैं लेकिन दूसरे हुरूफ को अपने साथ शामिल नहीं करते, हमेशा शरारत करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें शरारती हुरूफ कहा जाता है। शरारती हुरूफ क्या होते हैं? दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, तोए, जोए। ये नौ शरारती हुरूफ हैं। उम्मीद करती हूँ नौ शरारती हुरूफ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।